لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى والجنة للمؤمنين والموحدين، والنار للكافرين والمعاندين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الطاهرين المعصومين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بخمس، لو ضربتم إليها رباط الإبل لكانت لذلك أهلا. لا يخافن أحد منكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. صلى الله عليه وسلم. نعي تكبير، نعي رسالة، نعي حيدري، نعي صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شيعان حيدر قرار دا علاقہ ہے، اور مسجد بھی جعفریہ ہے. پرانے مجالے سنن والے ہو، ایک بہت بڑا ٹاپک جڑا میں سمجھتا کہ ادھورا ہے، وہ کسی جگہ دے اتے زیادہ ڈسکس نہیں ہوندا. اس واسطے میں ضروری سمجھتا کہ اسا وہ ٹاپک اپناؤں جڑا ڈسکس گھٹ تھیندا ہے، اور وہ دی ضرورت بھی بہت زیادہ ہوئے. اس دے وچوں چند جملے میں تہاری خدمت عرض کرے سن. سارا ٹاپک نہ میرے بس دا ہو گئے اور نہ ہی ٹائم ہے. موضوع ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، بہت سارے مقامات دے اتے وصیت نصیحت فرمائیاں. یعنی ایک ٹاپک باقاعدہ وصیت امیر المومنین علی بن ابی طالب،
और नहजुल बलागा दे विच भी वसाया मौला दे मौजूद हैं, बाकी गौर और हिकमत दे विच भी उन्होंने वसाया मौजूद हैं कि थाई ओ उम्मत मुस्तफा को मुखातब करके वसीयत नसीहत फरमाएंगे, कि थाई अपने बेटे हसन मुजतबा को वसीयत नसीहत फरमाएंगे, कि थाई हजरत हुसैन शहीद करबला को वसीयत नसीहत फरमाएंगे, कि थाई अपने बेटे अब्बास को, कि थाई अपने बेटे मोहम्मद हनफिया को, कि थाई शाह साहिब ने सुहान को, कि थाई मालिक अश्तर को, कि थाई मोहम्मद इबन अबी बकर को एक बकायदा किताब लिखी जा सकती है वसाया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। इंसान कितना इन गौर फिक्र करे कि जेड़ा वसीयत करण वाली जात है वो अल्लाह दे इतना करीब है कि मुस्तफा तो बाद उसका कोई हमसर भी कोई नहीं, और पूरी कायनात को इतना जानने वाले और इतनी मार्फत रखने वाली हस्ती और जात इनके उन्होंने कोई सानी भी नहीं है। जिथा वो खुद फरमैदन के सलूनी सलूनी कबल अंतफ के दूनी, मेरे को पुछो पुछो कबल से कि मैं चला बना तुसा मेरे को जो मर्जी आवे पुछ गनो, ये जुमला भी फरमाया ने कि मैं जमीन के रस्तिया के कोलो आसमान के रस्त को ज़्यादा वाकिफ हाँ। इस जै बंदे को इस किस्म की जात वाला सिफात को अवाम ने खास तौर उत्ते उन टाइम के लोगों ने सही फायदा नहीं उठाया। अगू अहमक किस्म के लोग, अजीब जहनीयत के लोग, मार्फत इमामत तो खाली और आरी लोग, इमाम की अजमत और रिफत की मार्फत न रखने वाले लोग खड़े हो गए हैं और इमाम को पूछते हैं कि मौलाई दसाओ मेरी दाढ़ी के बाल कितने। काश कोई इहो जिया मौका होवे हा और उठा शगिरदान होवे मौला दे अपने और मौलाई में दावा करें तो उठा सवाल होवे और उठा मौला जवाब देवे, पूरी कायनात का लुब लुबाब बयान न करें तो बताली अभी तो अलग की में होवे। सलवात पढ़ो बर मोहम्मद अल मुहम्मद बारे दीगर किबला साहब होना दी आम सियात और सलामती वास्ते सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लिहाजा जिमें एक फायदा उठावना चाहिदा है आइम्मत कोलों, उस तरीके दे नाल आइम्मत कोलों फायदा नहीं उठाया गया। जिस तरीके दे नाल इल्म दी तरक्की की जा सकती है मासूमीन कोलों हुए इल्म दे तरक्की नहीं हुई। इस वास्ते मौला दा एक जुमला मिलता है शाह साहिब ने सुहान जले आखिरी टाइम है बिल्कुल, क्योंकि सलूनी सलूनी का दावा फकत एक टाइम नहीं होया बल्कि कई वक्त मौला ने दावा फरमाया कि मेरे को पूछ गिनो, हत्ता के जल मौला दा वो आखिरी मरहला है और आखिरी टाइम है इस दुनिया तू बुरका वटावन दा और रिहलत फरमावन दा, उस वेले भी मौला ने दावा किया कि सलूनी सलूनी कबला तब के दूनी। शायद उन्हें कोई कोई वजूहत भी होवन, लेकिन एक वजह तो यह है कि लोग मत आखें कि जानशीन पैगंबर हैं और जाने पे हम जानशीन पैगंबर को अगर कोई जरबत लग वी है, कोई जख्म लग वह और वह जख्म भी सर के लगता है तो यह ना समझो कि जानशीन पैगंबर के सर के जरबत लगन के नाल नऊज बिल्ला इन्हों का दिमाग अपनी जहाज छोड़ गए या इन्हों का हाफजा कमजोर थी गए ना। इमाम हर हाल च इमाम होते हैं, इस वास्ते मौला दसना चाहते हैं कि भावें जो मैं मेरा आखिरी मरहला और आखिरी टाइम आ गए जरबत की वजह तू मेरा सर दो टुकड़े तकसीम हो गए तावी सलूनी सलूनी का दावा मैं कर सकता।
क्योंकि सबू अगर थोड़ा इतना भी दुख होवे ना, थोड़ी इतनी भी तकलीफ होवे ना, असा तो अपने आप भूल वेने हैं। और ये वो शेर है खुदा हैं जिन्हों का सर दो हिस्सों तकसीम होया पे, उनके बावजूद भी इन्हों के उत्ते जर्रा बराबर फर्क नहीं आता। अगर सजदे दे विच होवन तां ही अली बुनियादी तालिब हैं, अगर जरबत लगे तां ही अली बुनियादी तालिब हैं, अगर किसी यतीम के सर ते हाथ फेर रहे होवन तां ही अली बुनियादी तालिब हैं, और अगर जंग के मैदान खड़े होवन ते इन्हां दे हाथ जुल्फकार होवे तां ही हैदर करार हैं। इन्हां दी ज़ात विच फर्क नहीं आता। ये जड़े मारूजी हालात होंदे ने इन्हां दे उत्ते तारी नहीं होंदे, खास तौर दे उत्ते दीन दे हवाले दे नाल जिवें अल्लाह ने इन्हां को बनाया ते इन्हां को कम गिनना चाहिया है, इन्हां दी वफात तक ये उवें रह गए जिवें अल्लाह चाहुंदा, जरा बराबर इन्हां दे विच फर्क नहीं आया। इस वास्ते वो फरमा रहे हैं कि सलूनी सलूनी कबल अन तफके दूनी, मेरे को पूछ गिनो जो कुछ पूछना हिवे। शाह साहिब ने सुहान बैठे हैं, उन्होंने वापस का इशारा किया, सारे अपने अपने सवाल पूछते रह गए। आखिर ते अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हूँ चले वजो, इस वास्ते कि हूँ मेरे घर वाले को थोड़ा इतना मेरे को आवन दो। सारे चले गए लेकिन शाह साहिब ने सुहान नहीं गए और बारहूँ बूहे दे चौखा ठाई उन्हें बारहूँ अच के बह गए। किसे काम की वजह तो हजरत इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम बाहर निकले, डिठा ने कि अपने बावे का प्यारा सहाबी दरवाजे के नाल टेक लग के बैठा है। अदन शाह साहिब ने सुहान, देखो मेरे मौला ने मेरे आका और मेरे बाबा ने आखा नहीं है कि घर चला वन, अदन मौला मैं चाहता हाँ कि मैं आखिरी टाइम भी मौला को इस्तेफादा करा और कश हासिल करा, एक दफ़ा मैं को भला मुलाकात शरफ हासिल थी वो मौला। अदन मैं पूछ के रसेंदा अंदर गए, इजाज़त मिली है, शाह साहिब ने सुहान दोबारा आए, मौला फरमेंदन कोई मैं को वाज और नसीहत फरमाओ हाँ, कोई चंगी जी गाल सुनवाओ हाँ, ई टाइम तो चंगी गाल ही तो वाज और नसीहत, चूंकि शाह साहिब ने सुहान मौला की मार्फत रखने वाले सहाबी हैं। ये मैं कि हाँ हाँ क्या होया जो अगर आखिरी टाइम है तो सहीवे तो वो हिली अपने बीता ले। इस वास्ते मौला फरमाते अच्छा तो वाल आखा ही तो वाल सुन वाल ए रजा, जेड़ा बंदा मजदूरी मजदूर मजदूरी करे ना ना उनका हक टाइम तो पहले अदा करे, और अपने माँ प्यो की खिदमत करने कोताही न करें। और तीसरी नसीहत अली इब्न अबी तालिब दी यह भी कि अपने आका को फरार न पिया करें, गुलाम को चाहिए या अपने आका का ताबेदार होवे। जल्दी जुमले आखिर ना चूंकि सामने सुनने वाले शाह साहिब ने सुहान है, उनको पता है कि मौला दी मुराद नहीं, मौला ये आखिरी टाइम के मजदूर की मजदूरी दी पै गई है, ये आखिरी टाइम के अपने वालदेन की इज्जत और शरफ का बड़ा ख्याल है, मौला मैं को यकीन है कि ये कलाम का कोई बतन भी मौजूद है, मौला हकीकी तर्जमा करके दसाओ तुरी मुराद क्या है। तो वह जो है मेरे पास है सलवात पढ़ो बार मोहम्मद आल भाई थे मोहम्मद, मैं ज़्यादा मुजायम ना हुआ किबला साहब और तुरे दरमियान, मैं अपनी गुफ्तगु समेट के जल्दी चला वैसा जी सर ऐलान करो चलो सलवात पढ़ो बार मोहम्मद आल भाई थे मोहम्मद, वो अपना ऐलान करें जरा सर। लिहाजा मौला इसका हकीकी माना दसाओ, क्योंकि हर जाहिर का एक बातिन होता है, बातिन क्या है इसका। मौला फरमाते हैं अच्छा चूंकि तू अहल है ई वास्ते तक दसेंदा हाँ कि मैं जड़ा आख है ना मजदूर दी मजदूरी जल्दी अदा करो, ये मजदूर तो मुराद मैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा है। असा अल्लाह का काम किया है, खुदा दी नबूवत को पैगंबर ने पहुँचाए, मैं उस नबूवत के अहकाम को नाफिज किए उनकी हिफाजत की है, असा है अल्लाह दे तरफों मजदूर, लिहाजा सारी मजदूरी टाइम ते अदा कराए जड़ी मोहब्बत अहले बैत है, इस दे विच कोताही ना कराए, इन विच जर्रा बराबर सुस्ती ना पाए कराए। तो दूसरी अदन वालदेन के हवाले नाल मौला फरमाते हैं कि मैं अपने पैगंबर को हदीस सुनी है कि या अली अना व अंता अबवा हाजिल उम्मा, मैं और तू ही पूरी उम्मत दे बाप है, लिहाजा मैं आखना ये चाहना खबरदार मत सारे माँ बाप सारे बाप के हवाले दे नाल किसी काम में सुस्ती पै कराए, अगर सारे मामले की सुस्ती की तो इवें आख हो वैसो जिमें अपने नसबी वाले की सुस्ती कराने आख आते हो।
भी आपने वो अपने आका को किवें ना बजू मौला फरमैंदन अल्लाह है थोड़ा आका तुसा अल्लाह दे आबद और गुलाम कदई मत खुदा न खासता खुदा को मुंह कंड पै कराए मत खुदा दे कोल मुंह पै बुड़ाए मत अपने रब को फरार पै कराए इंज न कराए हर वेले अपने रब दे सामने झुकते रवाए हर वेले अपने आका और अपने मौला दे सामने सजदा करेंदे रवाए ये मेरे अली इब्न अबी तालिब दी वसीयत नसीहत थी वे कितनिया नसीहत हैं जड़ियाँ से उन्होंने अमल करें मौला फरमाते हैं उसी को बेखाम से मैं जरा अव्वल हदीस पढ़िए मैं तो पांच चीज़ों की वसीहत करें उन पांच चीज़ों को हासिल करने वास्ते अगर तुसा ऊठ ते घोड़े भजाओ उड़े लंबे लंबे सफर करने पवन ती वारे आंदा है इस वास्ते कि चीज़ा बड़िया कीमती उन्होंने पहली है कि ला यस्तहयन्ना पहली पहली चीज उन्हें बेचो सलवात पढ़ो बार मोहम्मद आले बैत मोहम्मद ला यर्जुवन्ना अहदुन मिनकुम इल्ला रब्बा तुम्हारे बेचो कोई बंदा भी अपने रब तो इलावा कह दे होती उम्मीद न लावे अगर तवक्कुल करना है तो फकत खुदा दे तवक्कुल करना है किसी होर दे तवक्कुल नहीं करना इत्तेफाकन मैं देदा बैठा मैं तवक्कुल दी बहस दे विच तफसीर दे विच कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मिसाल बयान की थी ने कि तवक्कुल दे विच हज़रत इब्राहीम अपनी मिसाल आप हैं अग लग चुकी है तरवा क्या सारा सुना होया है अग लग चुकी है मिंजनीक दे विच हज़रत इब्राहीम को बल्हा दिता गया है और पूरी दुनिया की कायनात के फरिश्ते और पूरी जड़ी इस्लामी अगुचा जिम्मे अल्लाह के तरफों जड़े जड़े मामूर हैं जितने परिंदे हैं चरिंद हैं सारे अल्लाह के कोलों इल्तिजा करन के परवरदिगार इस कायनात दे विच इब्राहीम तो वध के कोई मुवाहिद कोई नहीं इयो मुवाहिद है अगर ये भी दुनिया तो चला गया तेरी तौहीद का प्रचार कौन करे सी इस वास्ते जड़ा जमीन भी आखन लग गई कि अल्लाह इस जमीन मैं आदि पइया कि इसको बचा गेन इस वास्ते कि इब्राहीम कल्ला मुवाहिद है इवें यार हजरत जिब्राइल ने रिक्वेस्ट की थी कि परवरदिगारा जिब्राइल आदा पे के बचा गेन अल्लाह के वन अगर तेरी आखी मने दे और तेरी मदद तलब करें दे तकेन हजरत इब्राहीम दे कोलों जिब्राइल आए कि हल्ली हाजा तो मेरे कोई हाजत ही भी वादन हाँ हे तो सही भला भला किन तेरे कल नहीं मैं मोहताज हाँ लेकिन मैं अपने परवरदिगार को देख रहा हाँ वो जो कि मैं को दिल था भी है मैं केड़ी हालत हाँ मैं को जरूरत भी नहीं तेरी मदद थी हर हर दुनिया का जड़ा एक इंसाफ पसंद बंदा है और इंसाफ पसंद चीज़ा हैं वो सारिया तड़पण लग गई इस वास्ते कि इब्राहीम इन अल्लाह के तवक्कुल करने वाले और खुदा दे उते भरोसा करने वाले क्योंकि इब्राहीम के सामने दो गाल हैं या तो हजरत इब्राहीम सड़ वजना है या वत नहीं सड़ना इब्राहीम ये देख रहे हैं कि अगर मैं सड़ वजा तो मेरे परवरदिगार में गुरे था भी है लिहाजा अल्लाह की जल्द मर्जी सड़न के बीच है तो मैं इब्राहीम जिंदा रहें कि क्या करें सा हत्ता के आजर जरा चाचा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वह अगर वध के उसने अपने रुखसार मुबारक के उत्ते एक ऐसा तमाचा मारे थे को आधा नामी कि तू सारे खुदावां दी तौहीन न कर हूँ आख अपने खुदा को तक बचा गए ने परवाह ही नहीं की दिल चा करके परवरदिगारा ये सारे हालात तो तू देदा पे इस वास्ते त्रै जुमले आके हजरत इब्राहीम ने एक फवज तो अमरी इला रब्बी मैं अपना मामला अपने अल्लाह के हवाले करेंदा मैं सारे मामले अपने अल्लाह के सपुर्द करेंदा जो कुछ अल्लाह चासी वो थी सी जैसे अल्लाह ने इस किस्म का तवक्कुल डिठे ना वे अल्लाह की आवाज़ आई या ना और कूरी बरदा ए अग इब्राहीम दे उत्ते ठंडी हो मन इतनी ठंडी हुई है कि सारे छेवें लाले विलायत फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम दे डंग बजन लग गए वे अल्लाह की आवाज़ आई है सलाम अला इब्राहीम फकत ठंडी न थी सलामती आई मान इस वास्ते तवक्कुल खुदा दे उत्ते करना चाहिए एक छोटा जिहा वाक्य तो तेरी ज़हमत तमाम जिले जंग खंदक लगे जंग ओहद लगी है ना ओहद विच काफ़ी सारा नुकसान होए सारे मुसलमानों का बहुत सारा एक अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करन और सुस्ती करन दे विच बहुत सारे बंदे मारे गए जिले सारे वापस चले गए ना उन्होंने फैसला किया आप मशवरा किया ने भाई सारी फौज तो उन्होंने ये मारी पैगंबर को सारे छोड़ के गए ना भज क्यों नहीं आज पैगंबर को शहीद करके असू किस्सा ही खत्म की वजू
जैसे वाल वापस आव लगे ना गल बड़ी लंबी है मुख्तसार कर देव जैसे वापस वलन लगे ना उन्होंने एक मुशरक है जरा ये गाल नहीं पसंद करेंदा कि ये वापस मंजन वो आते छोड़ो यार हम घर जुलते हैं इन आख नहीं वो छोड़ा मजबूरन वापस आंदा भी आए उनको गुस्सा है कि मेरी अहमियत भी कोई नहीं उसने एक तेज नाका सवार को भेजा कि तू तुसा मन के इतला दो पैगंबर को कि ये वापस आने पे तो अरे हमला करना चाहते हैं वो जैसे वापस पहुँचे ना इन्ना जैसे मुसलमान सुने ना कि वो वापस आने पे इतना अल्लाह उत्ते भरोसा आई हालांकि काफ़ी सारी फौज शहीद हो चुकी है उनके बावजूद अल्लाह ते भरोसा करें दो ये वापस आ गए इन्हें के हूँ आवे इन्हें को देते हैं जैसे इन्हों की इस्तेकामत और तवक्कुल अल्लाह दिखाए ना उन्हें वो मुशरिकीन मक्का वापस से लगे उन्हें कि आज इन्हें को नहीं जीत सकते और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह से भरोसा करे वो कदा शिकस्त नहीं खाता जो अल्लाह से भरोसा करे कदा मगलूब नहीं होता इस वास्ते कि हर शय के उत्ते वो बंदा गालिब है जो अल्लाह से तवक्कुल करे। आखिरी गल तो खत्म तवक्कुल का माना क्या बनता है इनका माना ये नहीं बनता कि हाथ से हाथ रख के बैठे रहो कि हूँ अल्लाह ही सब कुछ करना है मैं तो अल्लाह से भरोसा की बैठा ना तवक्कुल का काम है असबाब मुहैया खुद करो अपना काम जो तुआरे जिम्मे है वो करो जा वल अगा अल्लाह तो छोड़ दो अल्लाह उनका नतीजा देसी इवें वाली कार जी मैं तुसा काश्तकारी करें दे हो मन के कणक जमीन के हवाले कर दें दे हो ये कणक सटना ते बीज पावना ते पानी देवना तुहारा काम है उसको अंगूरी बना के उगावना अल्लाह का काम है। कुछ बंदे पैगंबर के दौर के ना कमा दिया असा तो मुतवक्किल अल्लाह है पैगंबर ने फरमाया नहीं तुसा मुतवक्किल नहीं वे तुसा काम चोर हो तुसा काम तू भजना चाहते हो लिहाजा तवक्कुल का माना ये नहीं बनता। तो आखिरी गल तवक्कुल का माना वकालत तू है वकील बनता है बंदा इवें आ रहे जिमें बंदा एक ऐसे बंदे को जो ताकतवर है हमदर्द है सब चीज की मार्फत रखता है मैं नहीं कर सकता मैं आज जहाँ मैं वकील बने ना कि ये मेरे तरफों तू चकार तवक्कुल का माना इवें असा अपने अल्लाह को आदे परवरदिगार तू तो कादर मुतलक है तू तो मार्फत ते खालिक मार्फत है तू सा हमदर्द मावा को भी ज्यादा है पाक परवरदिगार असा तेरे ते भरोसा किते ये काम फलाना सारे को नहीं थींदा तू चकार इस वास्ते तवक्कुल आते हैं और तवक्कुल जड़ा बंदा करे दे वो दुनिया के हर मैदान कामयाब है लिहाजा तुसा कोई बंदा भी इस हया न करे बंदा ला यार उम्मीद न रखे कि बंदा आके जी मैं तवक्कुल ना करेंदा खुदा तू अलावा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और खुदा की इज़्ज़त तो बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता लिहाजा खुदा के कोलों इल्तिजा करें ने परवरदिगार सक मुतवक्किल अल्लाह बनावे और पाक परवरदिगार सक अपने हर उमूर के कामयाब और मुवफ़क़ फरमावे।